सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा स्पैनर होता है, जो हमारे स्पैनर्स के ऊपर देखें यहाँ पे जो डिजिट्स लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे 5/16W और यहाँ पे 3/8BS, इसका क्या मतलब होता है। तो आज हम पूरी इसकी जो हमारे जो इंचेस का बोल्ट होता है उसकी भी हम पूरी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि हमारे इसका मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आता है। तो वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो इसको एक बार लाइक जरूर करिएगा आप। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो बराबर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरुआत करने में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे एक स्पैनर है। आप देख सकते हैं ये हमारा इंचेस, जो हमारा इंचेस साइज में जो हमारा स्पैनर है, ये हमारा ये डबल एंडेड ओपन स्पेंडर है हमारे पास, डबल एंडेड ओपन स्पेंडर। तो इसके ऊपर देखिए हमारे यहाँ पे एक रीडिंग यहाँ पे लिखी गई है। इस रीडिंग का क्या मतलब होता है आज मैं आपको पूरा आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों हमारा ये यहाँ पे हमारा तीन सूत का, आप देख सकते हैं हमारा जो हमारा तीन सूत का स्पेंडर है हमारे पास, और हमारे पास जो हमारा बोल्ट है ये भी हमारा पूरा यहाँ पे तीन सूत का है। ये हमारा आप ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिखा भी गया है 3/8BS, यानी हमारा तीन सूत के, ये हमारा तीन सूत का स्पैनर है। और जो हमारा इसमें जो हमारा इसका जो तीन सूत का जो हमारा ये बोल्ट होता है, अगर हम इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इसका एमएम में साइज आएगा 9.525। और दोस्तों बीएस की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो बीएस होता है इसका क्या मतलब होता है, बीएस का मतलब होता है हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड। जो हमारे इंचेस के जो हमारे बोल्ट्स होते हैं वो हमारे सारे ब्रिटिश स्टैंडर्ड में चलते हैं। अब हम जो इसकी हमारी थ्रेड्स होती है वो हमारी, हम थ्रेड्स को किस में मापते हैं, TPI यानी थ्रेड पर इंच। इसका मतलब होता है कि जो हमारा एक इंच होता है, एक इंच के अंदर हमारी कितनी पिच की हमारी चूड़ियां कटी हुई हैं, तो इसमें हमारी 16 गेज की हमारी चूड़ियां कटी रहती है। अगर आप गिन के देखेंगे तो हमारी एक इंच के अंदर हमारी इसमें 16 चूड़ियां होंगी। तो ऐसे करके दोस्तों हमारा जो ये 3/8 जो यहाँ पे BS लिखा रहता है उसका हमारा ये इसके ऊपर स्पैनर के ऊपर ये मतलब होता है। मैं आपको एक बार जो हमारा स्क्रू पिच गेज होता है मैं उसकी सहायता से भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो स्क्रू पिच गेज है उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 16G 3/8 इंच लिखा हुआ है। अब मैं आपको उसको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए आप मेरे पास यहाँ पे जो स्क्रू पिच गेज है ये देखिए पूरी इसमें फिट बैटरी है। तो यानी इसकी सहायता से भी हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा नट के ऊपर जो हमारे कितने गेज की चूड़ियाँ कटी हुई हैं। अगर आप स्क्रू गेज के जो हमारी स्क्रू पिच गेज होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी जो हमारी चूड़ी होती है उसकी पिच को चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर सेपरेट से वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक उसका आई बटन में दिया गया, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये भी हमारी देखिए दो तरह की होती है, एक हमारी विथवर्थ 55 डिग्री और जो हमारा मीट्रिक साइज में 60 डिग्री। तो अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो 3/8 जो हमारा तीन सूत इसका मतलब होता है 3/8 का। अब हम जानेंगे कि जो हमारा 5/16W ये जो हमारा इसके ऊपर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो देखिए, कुछ वीडियोस में हमें बताया जाता है कि जो इसका मतलब होता है ये हमारा ये बोल्ट का साइज होता है, पर ऐसा नहीं है। मैं आज आपको पूरा टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा इसकी बोल्ट की कि ये जो 5/16W होता है इसका क्या मतलब है। देखिए 3/8 को तो आपको मतलब पता लग गया कि हमारा तीन सूत का होता है, क्योंकि देखिए ये हमारा पूरा इसमें अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए ये पूरा जो हमारा इसका जो हेड होता है ये देखिए स्पैनर पूरा इसमें फिट बैठ रहा है। यानी हमारा ये तीन सूत का ही हमारा बोल्ट है और जो हमारा तीन सूत का ही जो हमारे पास ये स्पैनर है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो ये 5/16 होता है, देखिए ये हमारा यहाँ पे इसका मतलब होता है ढाई सूत। अगर हम ढाई सूत को देखिए हम एमएम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा 7.937 mm, यानी देखिए इसकी रीडिंग से बिल्कुल कम है। यानी इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हमारा इन दोनों साइज का मतलब ये होता है। तो उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो हमारा इसका मेजर डाय होता है। मेजर डाय देखिए हमारा ये इसका जो हमारा मेजर डाय होता है, अगर हम उसको एमएम में, देखिए एमएम में मैं आपको इसलिए यहाँ पे सारा कुछ कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जो हमारे ज्यादातर स्पैनर्स होते हैं वो हमारा हम उसको एमएम में ही यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो हमारी मेजर डाय की जो रीडिंग आएगी वो होगी 9.525 mm। अगर देखिए हम इसका पिच, अगर हम इसकी पिच निकालेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पिच होती है इसमें वो कितनी होती है, 1/TPI, यानी 1/TPI कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो इसमें पिच होती है जो इसकी एक इंच में जो हमारी
चूड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होगी 16। तो अगर हम इसको एमएम में अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 25.4 और इसके इसको हम अपॉन करके हमारा इसका 16 से अगर हम इसको पूरा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी एमएम में रीडिंग आ जाएगी, वो कितनी आएगी 1.587 एमएम। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें टीपीआई कितनी होती है, मैंने आपको चेक करके भी दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि जो हमारी इसमें ये मैंने आपको बताया था जो हमारी देखिए यहाँ पे जो ये गेज होती है देखिए उसके ऊपर भी यहाँ पे मेंशन किया गया होता है कि हमारी यहाँ पे इसमें ये देखिए 16 गेज की जो हमारी पिच है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 16 गेज की हमारी जो इसमें स्क्रू पिच गेज है वो इसमें पूरी फिट बैठती है, यानी जो हमारी इसमें टीपीआई होती है वो कितनी होती है 16। अब अगर हम बात करेंगे देखिए इसके अगर हम इसके पिच डायमीटर की बात करेंगे, अगर हम इसका पिच डायमीटर निकालते हैं तो हमारा इसका पिच डायमीटर निकल के आता है 8.509 mm, और अगर हम इसका माइनर डाया निकालते हैं तो माइनर डाया आता है हमारे पास 7.493 mm। तो देखिए ये बिल्कुल ही देखिए अगर हम बात करें अगर हम इसको बोलें कि ये हमारा सेम यही अगर हम इसका हेड का डायमीटर है तो हेड का डायमीटर भी नहीं है, अगर हम बोलें कि ये इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये इसका मेजर डायमीटर है या माइनर डायमीटर है तो देखिए इस जो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है तो उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि ये चीज़ वो भी नहीं है। तो उसके बाद देखिए अगर हम बात करेंगे तो हमारा लास्ट में जो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है वो हमारा विड्थ अक्रॉस फ्लैट, विड्थ अक्रॉस फ्लैट क्या होता है देखिए हमारा जो हमारा बोल्ट होता है ऊपर से अगर उसका आप उसका हेड देखोगे तो हमारी यहाँ से लेकर और जो हमारी एक हेड से लेकर जो यहाँ हेड की दूरी होती है जैसे हम इसको स्पैनर में पकड़ते हैं तो वो होती है हमारी विड्थ अक्रॉस फ्लैट जिसको हम एएफ भी बोलते हैं। अगर हम देखिए इसको मैक्सिमम अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे अगर फॉर्मूले के माध्यम से तो हमारी 14.30 mm, अगर हम इसको मिनिमम निकालेंगे तो 13.82 mm। तो देखिए ये बिल्कुल भी मतलब इससे बिल्कुल डिफरेंट है, अगर मैं बात करूं देखिए इसका मतलब होता है 3 सूद और इसकी मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है हमारा 2.5 सूद, तो ये देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज भी आपको यहाँ पे पूरी निकाल के दिखा दी है कि इस वैल्यू के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि जो हमारा 5/16 W जो हमारा 3/8 जो हमारा BS है उसका क्या मतलब हो। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो के माध्यम से हमारा ये तो क्लियर हो गया है कि जो हमारा ये 3/8 जो BS लिखा है यानी इसका मतलब हमारा 3 सूत है, और जो हमारा 5/16 W लिखा है उसका हमारा इससे मतलब कोई भी लिंक नहीं है कि इसका ये मेजर डायमीटर है या इसका माइनर डायमीटर है या जो हमारा इसका हेड का डायमीटर है। तो अब हमें ये जानना होगा कि जो हमारा ये 5/16 जो W लिखा है इसका क्या मतलब होता है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ कि तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा जब हम 1924 से पहले जो हम बोल्ट्स यूज करते थे वो हम जो हमारे विटवर्थ के जो हमारे बोल्ट्स होते थे हम उनको यूज करते थे, तो धीरे धीरे करके जब उनके जो उन बोल्ट्स का क्या होता था जो उनके हेड्स होते थे हमारे वो थोड़े बड़े होते थे, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जैसे 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 आगे हम बढ़ते गए टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा इसका जो हेड होता था वो काफ़ी बड़ा होता था और जो हमारे माइल्ड स्टील्स के बनते थे जो उसमें मटेरियल होता था वो काफ़ी कंज्यूम होता था। तो उस मटेरियल को बचाने के लिए देखिए क्या हुआ तो इसके हेड का साइज हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ा, तो हेड का साइज तो हमने छोटा कर दिया पर उसके हिसाब से देखिए अब क्या हुआ कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हमें इसके लिए हम अलग स्पैनर यूज करें और इसके लिए हम अलग स्पैनर यूज करें। तो फ्रेंड्स दोनों स्टैंडर्ड बनने के बाद देखिए हमारा जो विटवर्थ और जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम था दोनों स्टैंडर्ड बनने के बाद हमारे जो बोल्ट्स थे मार्केट में वो दोनों ही बोल्ट्स चल रहे थे, और तो हमें उसको हमें उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस स्पैनर को ही ऐसे डिजाइन से तैयार किया जो हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं जो हमारे स्पैनर को जो हमारे मैन्युफैक्चर बनाते हैं कि हम उस एक स्पैनर को हम दोनों तरह के जो हमारे ये बोर्ड्स होते हैं हम उन पे इनको यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये 5/16 और जो हमारा ये था विटवर्थ, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारे जो पुराने बोल्ट्स होते थे ये स्पैनर हम उसमें भी यूज कर सकें, और जो हमारे जो आज के टाइम में जो हमारे नए बोल्ट्स चलते हैं हम इसको उसमें भी यूज कर सकें। तो देखिए दोस्तों इसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं है कि जो हमारा ये 5/16 होता है ये हेड डायमीटर होता है या पिच डायमीटर होता है या हमारा माइनर या मेजर डायमीटर होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो पुराने बोल्ट्स हैं जो हमारे विटवर्थ में जो हमारे बोल्ट्स चलते थे हम इनको इस स्पैनर को हम दोनों तरह के जो हमारे बोल्ट्स होते हैं उसमें यूज कर सकें। तो इस तरह फ्रेंड्स जो हमारी ये यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल और जो न्यूमेरिकल वर्ड्स लिखे रहते हैं इसका मतलब यही होता है कि ये जो हमारे यहाँ पे
5/16 विथ फोर्थ, और जो हमारा 3/8 जो हमारे बीएस होते हैं, ये स्पैनर हम दोनों तरह के बोल्ट्स में यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा डाउट आज क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक बार लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लेथ मशीन से रिलेटेड और जो हमारे जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सारे से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप उनको देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।